अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, अगर आपको आमदनी प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, अभी आप दफ्तर जाते हो, अब आपको दफ्तर नहीं जाना, 1076 10 76 1076 नंबर, इस नंबर पे डायल करो। इस नंबर पे डायल करने से उधर से आवाज आएगी, आपको क्या काम करवाना है पंजाब सरकार से, आप बताओ जी मेरे को आमदनी प्रमाण पत्र बनवाना है। वहां से आवाज आएगी कि आमदनी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ये कागज चाहिए, आपके पास हैं? आप बोलोगे हाँ जी हैं। वो आपसे पूछेंगे आपके घर कितने बजे आए हम काम करने के लिए, आपका प्रमाण पत्र बनाने के लिए। आप उनको टाइम बताना, 5 बजे आओ, 6 बजे आओ, जो टाइम आप दोगे उतने बजे पंजाब सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा, आपके जितने कागज है उनकी फोटोकॉपी मशीन साथ लेके आएगा, फोटोकॉपी करके ले जाएगा और 10 दिन में 15 दिन में आपका प्रमाण पत्र लेके आपके घर आपको देने के लिए आएगा। दोस्तों यह किसी क्रांति से कम नहीं है। दिल्ली में यह शुरू हुआ था 2018 में, सितंबर 2018 में दिल्ली में यह काम शुरू हुआ था। आज 5 साल हो गए, 5 साल में लाखों लोगों ने अपने काम करवाए हैं, फोन कर करके। दिल्ली सरकार के कई दफ्तरों के ऊपर हमने ताला लगा दिया, अब दिल्ली सरकार के अंदर लोगों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। वही काम आज पंजाब के अंदर शुरू हो रहा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर दिल्ली सरकार कर सकती है, पंजाब सरकार कर सकती है, 75 साल के अंदर इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने क्यों नहीं किया। और सोचने की बात है, अगर दिल्ली सरकार ने 5 साल पहले किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं किया, राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं किया। उनकी नीयत खराब है। जब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, वहां पे जो दलाल को पैसे देते हो, वो आपको क्या लगता है पैसे दलाल रखता है? नहीं, दलाल पैसे रखता है, अफसर को पैसे देता है, मंत्री के पास पैसा पहुंचता है, मुख्यमंत्री के पास पैसा पहुंचता है। आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, जो काम कराने के लिए आप पैसे देते हो, वो पैसा सीधे ऊपर मुख्यमंत्री तक जाता है। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार बनाई है, आज आप लोगों ने पंजाब में एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुना है, आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार मंत्री चुने हैं, आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार MLA चुने हैं, आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार चुनी है। हम पैसे नहीं खाते, हमें जन्म प्रमाण पत्र में पैसे नहीं चाहिए, हमें मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसे नहीं चाहिए, हमें राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार और मोहब्बत और विश्वास मिल गया, बहुत है। ऊपर वाले ने इतना दे दिया हम लोगों को, हमें यकीन भी नहीं था कि भगवान यहां पहुंचा देगा हम लोगों को।